देख सकते हैं दोस्त, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का नज़ारा है। सभी लोग जो है अंदर बैठ चुके हैं, क्योंकि ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ही ये गाड़ी जो है 3 बजे वाली जो मेमो स्पेशल है खुलने वाली है और मुजफ्फरपुर तक जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जितने भी जनता जनार्दन जो लोग हैं सारे के सारे इस गाड़ी पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं पूरा जो है खाली ही खाली दिख रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो सूना सूना अभी दिख रहा है। देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। अभी जो है सुबह का 2:40 हो रहा है, उस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा जो है अभी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सभी जो लोग हैं यात्रा करने वाले हैं मुजफ्फरपुर तक जाने वाले हैं वो सारे के सारे जो है मेमो स्पेशल जो खुलती है प्रतिदिन 3 बजे उसमें जो है बैठ चुके हैं, इसलिए खाली जंक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। देख सकते हैं तो सुबह का जो है समय है 2:40 हो रहा है, इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो है देख सकते हैं कि ये है नरकटियागंज रेलवे जंक्शन, नरकटियागंज जंक्शन इसको बोला जाता है। यहाँ से जो है आपको यहाँ से रसकौल के लिए, ठोरी के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए और गोरखपुर के लिए सभी जगह के लिए गाड़ी यहाँ से मिलती है। आप देख सकते हैं जब भी आए सुबह में यहाँ से बहुत टाइमली गाड़ी जो है खुलती है। एक इंटरसिटी है जो 4 बजे खुलती है और एक मेमो स्पेशल डेमो जो है वो खुलती है 3 बजे। ठीक है दोस्त, तो देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा है। देख सकते हैं कि जो है पूरा प्लेटफॉर्म जो है खाली हो चुका है, क्योंकि सभी लोग जो है जो मेमो सुबह के 3 बजे निकलती है मुजफ्फरपुर के लिए उस पर जो है बैठ चुके हैं, इसलिए पूरा प्लेटफॉर्म जो है खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, मैं उस ट्रेन को भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो 3 बजे नरकटियागंज जंक्शन से खुलेगी। चलिए मैं उस ट्रेन के पास ले चलता हूँ जो 3 बजे खुलने वाली है। आप सभी को मैं दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि यात्रीगण जो है बाहर सोए हुए हैं, क्योंकि गाड़ी जो है खुलने का समय 3 बजे है। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये गाड़ी खुलेगी और मुजफ्फरपुर के लिए जाएगी हर स्टेशन पर रुकते हुए। दोस्त मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो ऑनलाइन नॉलेज वाई रविरंजन के नाम से चलता है, और साथ में अन्य फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, मैं आपको जो है इंजन की तरफ लेके चलता हूँ
और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंजन के पास हम थोड़ी देर में गाड़ी जो है यहाँ से खुलने वाली है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी का जो समय है यहाँ खुलने का 3 बजे यहाँ से खुलेगी और हर एक स्टेशन पर रुकते हुए जो है मुजफ्फरपुर तक जाएगी। फिलहाल जो लोको पायलट हैं वो अपने सीट पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि रेडी है सब। थोड़ी देर में गाड़ी जो है यहाँ से निकलेगी। आगे से मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए यही गाड़ी है जो 3 बजे यहाँ से खुलेगी। लोको पायलट जो है तैयार हो गए हैं। अब थोड़ी देर में गाड़ी जो है यहाँ से खुलेगी और निकलेगी। जितने भी यात्रीगण हैं सारे के सारे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, तो जो भी दोस्त मेरा ये जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्त मैं आप लोगों से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी जगह। ठीक है गाइज, यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद दोस्त।